और सत्ता तक पहुंचे में नीतीश कुमार के कोई सानी नहीं थे साम दाम दंड भेद रुआ जितना उनका के कह दी कि अल्टू राम हैवे पलटू राम हवे हाई करे हउ करे लेकिन सत्ता छीन के दिखाई ना रहुओ पलट के दिखाई ना रुआ तो कोशिश कर पलटे के पलटते नहीं जो एकदम पीक पर चल रहा बाम वाई भरसेज लौकुश चल रहा बा और लौकुश भरसेज हिंदुत्व चल रहा बा लड़ाई में बाकी के लोग के खाली पसंगा बराबर हिस्सेदारी बा चाहे जे जतना बोल ले सब दाव जानता है लेकिन धोबिया पछाड़ नहीं जानत और नीतीश कुमार धोबिया पछाड़ के माय हे कब के उठा के पटक दी है दाव से कहल बड़ा मुश्किल बात ये बात के भारतीय जनता पार्टी जानती है अब नीतीश कुमार के ना पटकला के चलते भारतीय जनता पार्टी के डर हो गई बा बा हम आ गई भीतर आज तैंतालीस सीट वाला नीतीश कुमार तैंतालीस सीट जो इकतालीस कियन लिया कहा तक तो कुछ, कुछ साल भर साल भर में जो स्थिति बात नीतीश कुमार अपन खूंटा और मजबूत कर नीतीश कुमार के स, छीन के उनका से लड़ाई छीन के भारतीय जनता पार्टी चाहता कि अब तेजस्वी यादव संगे खुद लड़े लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसा लड़ाका हवे कि पटका पटका के भी ताव देते रहते रहे कि आओ ना कि पटक के देखो नीतीश कुमार के शराबबंदी सबसे महत्वाकांक्षी योजना बा और नीतीश कुमार एकरा के वोट बैंक माने चलिए गई फिर से रू के प्रणाम करतनी गोड़ लगातनी और जो विषय रुआ लोग सुन के अल बानी पर अब विशेष विश्लेषण और चर्चा के आखिर तेजस्वी यादव धावा धाई पर पटना काहे ऐल है ल जा सकेला कि उनका लगे विशेष कार्यक्रम रहे कई तरह के बात रहे, लेकिन आकर के वो कार्यक्रम से ज्यादा नीतीश कुमार के पर्चा और पन्ना जब लगल पलटे पुरान पुरान पल्ला जब पलटे लगले, तो एक मतलब होला कि कहीं ना कहीं तैयारी क्या बढ़े और दिल्ली में जो खेल और खेलकट हो रहा बा जो तैयारी चल रहा अंश कहीं ना कहीं सामने नजर आते हुए नीतीश कुमार के शराबबंदी सबसे महत्वाकांक्षी योजना बा और नीतीश कुमार एकरा के वोट बैंक माने नीतीश कुमार के छीन के उनका से लड़ाई छीन के भारतीय जनता पार्टी चाहता कि अब तेजस्वी यादव संगे खुद लड़े यानी कि यह लड़ाई से यह रिंग से नीतीश कुमार के आउट करे के फिराक में पहले से भारतीय जनता पार्टी रहा। लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसा लड़ाका हवे कि पटका पटका के भी ताव देते रहते रहे कि आओ ना आओ कि पटक के देखो याद हुई कि नीतीश कुमार हाल हारदनी हारे वाला ना होवे रणनीति और सत्ता तक पहुंचे खातिर कारण कि हर राजनीतिज्ञ के राजनीति करे के सबसे पहला जो शर्त होला सत्ता तक पहुंचे के होला कुर्सी तक पहुंचे के होला और सत्ता तक पहुंचे में नीतीश कुमार के कोई सानी नहीं खे साम दाम दंड भेद रुआ जितना उनका के कह दी कि अल्टू राम है पलटू राम करे लेकिन सत्ता छीन के दिखाई ना रुआ पलट के दिखाई ना रुआ तो कोशिश कर तीन पलटे के पलटे नहीं की कारण कि रुआ के पलटे ना दिए ये सारा बात के लेकर के नीतीश कुमार जैसे अपन रणनीति शुरू कर 2020 के चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारा और घराना में कहीं ना कहीं लोग के मुंह पर फेफर पड़ लगा कि अब का नीतीश कुमार करी है आज 43 सीट वाला नीतीश कुमार 43 सीट जो उनका कहाल यात्रा के इकतालीस पर कह दिया ही, तो हई कह दिया ही, तो छीन लिया कहाँ तक तो कई कुछ, कुछ साल भर हो गई ए साल भर में जो स्थिति बा नीतीश कुमार अपन खूंटा और मजबूत कैले बाड़े जहाँ अपन अधिकार बताओ रहे वो, वो सब लोग के छीन के और नीतीश कुमार ये बात के बता है कि बिहार के राजनीति में उ सबसे मजबूत बड़े भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग हिस्सा में अपन भय परचम लहरावत होके लेकिन बिहार में अलै के बाद ऊँट आ पहाड़ वाला हाल बा जैसे ही ऊँट पहाड़ के नीचे आवेला ओकरा अपना औकात के पता चल जाला वही तरीक़ा से बिहार में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नाथ नाथ के आ लेके आगे बढ़ा बा पगहा उनका हाथ में बा अब यह बात के लेकर के जहां एक तरफ छटपटाहट हो हाँ रहा बुड़े बेचैनी हो रहा बा भारतीय जनता पार्टी यह बात के इंतजार में रहा हा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पटक दी हैं लेकिन नीतीश कुमार नया पहलवान हवे सब दाव जानता लेकिन धोबिया पछाड़ नहीं खान और नीतीश कुमार धोबिया पछाड़ के माहिर हवे कब कठा के उठा के पटक दी हैं उस दाव से कहल बड़ा मुश्किल बात ए बात के भारतीय जनता पार्टी जानती है अब नीतीश कुमार के नाप पटकला के चलते भारतीय जनता पार्टी के डर हो गई बाई बातर कि तेजस्वी से तो नाप पटकाई तो करे के का पड़ी तो फिर चिराग पासवान के उसका आदल के मतदे अवधि चुनाव अब मध्यावधि चुनाव के लेकर के चिराग पासवान बिगुल फूके लगल और एक तैयारी भी नजर आवे लगल लेकिन इस तैयारी में अभी भी एक साथ रुवा के बार बार कहते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव न आ सके संगे कुछ संवैधानिक और कुछ नीतिगत बात बा कारण कि दोनों के वोट बैंक में बड़ा डिफरेंसेस बा बड़ा अंतर बा जहां एक तरफ मुस्लिम और यादव समीकरण वाला राष्ट्रीय जनता दल बा बाजे मुस्लिम विरोधी कह जाला भारतीय जनता पार्टी के और दोनों मिल ना सकेले अगर तेजस्वी यादव मिल भी गई तो उनका कुर्सी तो कुछ दिन खातिर भेटा जाई बाकी तो का स्थिति हुई स्थिति हुई कि नीतीश कुमार के लगे है सारा समीकरण उठ के चल जाई बिहार में लड़ाई जो वर्तमान परिस्थिति में आ गई बा मुहाना पर जो एकदम पिक पर चल रहा बाम वाई वर्सेज लव लोकुष चल रहा बा और लौकुश वर्सेज हिंदुत्व चल रहा बा लड़ाई में बाकी के लोग के खाली पसंगा बराबर हिस्सेदारी बा चाहे जे जतना बोल ले अब एकरा में सबसे बड़ बात बा जौन एम वाई वर्सेज लव कुश वर्सेज हिंदुत्व चल रहा नीतीश कुमार बरियार बड़े भले ही एम वाई से तीन परसेंट चार परसेंट वोट उन कम बा लेकिन उनका संगे वो बड़का वोट जो प्लस हो रहा हुए महिला वोटर यानी कि शराबबंदी पर हुआ नीतीश कुमार के जितना जलील कही जितना बेइज्जत क लीह लेकिन शराबबंदी कानून लागू करके और महिला के आरक्षण देकर के नीतीश कुमार अपना भीड़ मजबूत खूट्टा गाड़ ले, ले जो उनकी उनका संगे हिले वाला नहीं है और वोट के आधार पर नीतीश कुमार मान चौबीसो घंटा आठों एकदम गर, गर्दा उड़ान कैले है अब तो नया स्थिति हो गई बा चुनाव के सुबुगाहट और चुनाव के तैयारी के बात सुन ले उनकर से कपार तक ले लहक गई और अपना जतना अगल बगल में बाड़े बाले सब लोग कहला कूल जाना अपना अपना स्तर पर लाग गई जहाँ एक तरफ ललन सिंह चुनाव के तैयारी में लाग गई वैसे वैसे ही आर सी पी के अपना भीड़ से दूर नीतीश कुमार बड़ रणनीति खेल है कि लोग बुझो कि आर सी पी सिंह और नीतीश कुमार में छत्तीस का आंकड़ा हो गए बा लेकिन दोनों जन तिरसठ हो गई बार ओहिया से कुल बात ले ले के भारतीय जनता पार्टी का कर रहा रणनीति बा का सोचता कुल ले ले के नीतीश कुमार के बता आ नीतीश कुमार पर अपन भीतर भीतर राज, राजनीति और रणनीति मजबूत कर ले जाते रहे आखिर एक पीछे के रणनीति का बा भारतीय जनता पार्टी के अचानक से नीतीश कुमार अपना नीमन काहे लगे लग काल कल तक जो भारतीय जनता पार्टी कहत रहे कि भाई बिहार में तो तरह से हमारानी उत्तर प्रदेश में तू तकबो मत हो सोचबो मत करी एन कि ए के हिस्सा तू रहबो और अचानक से आई आई सीट लीह कौन कौन सीट चाही बताइ ना एक और मतलब रुआ बुझे नहीं कि कहीं ना कहीं दो सीट पर उपचुनाव में लोकुस के जोन मादा बा जोन ताकत बा वो देखा करके नीतीश कुमार जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के एकदम समझ ली कि भीतर भीतर डेरवा वो ये भारतीय जनता पार्टी भी उकरो देह में जाल और ये कारण भा कि भारतीय जनता पार्टी आगे से बढ़ के ऑफर कर दिलस तो बुझ के रही कि नीतीश कुमार बाद और ज्यादा एग्रेसिव हैं और बीस बाईस ना पचास से ऊपर सीट के डिमांड करी हैं और मामला फेरा में पड़ जाइ ऐसा स्थिति में साफ छुछुंदर वाला हाल भारतीय जनता पार्टी के हो जाए और भारतीय जनता पार्टी स्थिति अपन पैदा नहीं खेल चाहत इस सारा बात के लेकर के पूरा मामला पर एक्शन लेवे खातिर तैयार भारतीय जनता पार्टी ऐसे हो गई और फिर से एक बार रणनीति बनावे के कोशिश कर लगल ये चलते कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पटके में फेल हो गई बड़ा अब यह पूरे रणनीति में कहीं ना कहीं नीतीश के खिलाफ तो कर सकिले लेकिन नीतीश के खिलाफ होकर के उनका के पटक के और बहरी कर दे से इस संभव आज के डेट में नहीं है लगातार हुआ वह कि जैसे उन्हें से चिराग पासवान घोषणा लिए है प्रधानमंत्री से मिलना के बाद कि मध्यावधि चुनाव बिहार में आव संभव बा जैसे उनका के प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख के दे, दे हो को कि जा तैयारी करो चुनाव तो हुई ओ, बात के बाद जो नीतीश कुमार के तैयारी के ललन सिंह मुखर हो गए हा उन्हें से आर सी पी सिंह के पटेल याद आवे लगल हा और दूसरा तरफ जो ने पूरे दू गो चुनाव के रणनीतिकार रणनीतिकारे हा उपेंद्र कुशवाहा उ पत्रकार से भेंट करके लिट्टी चोखा खिया खिया के आ कान में मुँह लगा लगा के पूछे लग हा कि आखिर बिहार के राजनीति कोना करवट बैठी क्या हमनिक लॉ समीकरण के कुछ चर्चा बा यानी कि कहे के तात्पर्य है बा कि अगर यह लड़ाई फैसला के तरफ आ जाता मध्यावधि चुनाव के तरफ आ जाता तो नीतीश कुमार पचहत्तर और चौहत्तर पर बड़ी भारी पड़ता रे कारण कि अबके हाली के रणनीति में अगर मध्यावधि चुनाव हुई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश के संबंध विच्छेद हुई और यही स्थिति में चुनाव हो सकेला कारण कि भारतीय जनता पार्टी भी जान रहा बा और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के जो खेमा बा दबाव बना रहा बा कि नीतीश कुमार के इतना छूट दिहल और हमनी के गोर में पगहा बांध के संगे संगे चलावल इ अब बर्दाश्त से बेसी बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तो नीतीश कुमार के ताकत बुझ रहा बा कारण कि चुनाव से पहले ही आदमी स्वीकार करवा लेके हर्दी गुर्दी बोलवा लेके कि हहीं मुख्यमंत्री रह बात के मानत तब तो वही आगे बढ़ल जाइए वो आदमी के ताकत रूप समझ सकत नहीं तैंतालीस तो सीट वाला नब्बे से ज्यादा सीट के मालिक हो गई बा कांग्रेस विद्रोह दल अपना गठबंधन से और अब सुपर गठबंधन की तैयारी चलता और इस सुपर गठबंधन अगर बन जाता तो भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों पर जबरदस्त भारी पड़ी है नीतीश और एकरा के वो मान के चली कि एक संपादक नमन मिश्रा जी जो बार बार कहता रहे कि नीतीश फैसला करिए कि अगला मुख्यमंत्री के हुई यह बात से इनकार ना कर सक कांग्रेस के भी अब एक मजबूत साथी चाही जौन संगे कदम से कदम मिला के चले चल ये टंगरी घीच देवे राष्ट्रीय जनता दल बेरी बेरी टंगरी घींच ले हज़ार पंद्रह याद हो अगर नीतीश ना रहते तो इकतालीस गो सीट कांग्रेस के नाम मिल रही कि सत्ताईस गो जीत के आए ए बात के वह बैठ के अगर कहीं सोच आनी सुन आनी आ नहीं के तो कभी बात करके देखी अशोक चौधरी वी अध्यक्ष रहन कांग्रेस के वह बात कर हुआ के खुलासा करी है कि आखिर का बा और यह कारण बा कि अशोक चौधरी जौन राह देखौले राह पे खाली फिर से चले खाती तैयार हो गई बिया कांग्रेस विद्रोह यह बात के तरफ इशारा करता कि अगर मध्यावधि चुनाव है तो नीतीश के ताकत बढ़ी और नीतीश इस बात के बुझ गई बड़े एक तरफ जहां उनका लगे लवकुश समीकरण उनका पूरा मजबूती के साथ खड़ा बा दो तरफ उनका जीतन राम मांझी के यानी दलित वोटर के भी साथ बा मुकेश सहनी के यानी निषाद समाज के भी साथ बा और संगे संगे शराबबंदी के लेकर के महिला ले आरक्षण के लेकर महिला वोटर उनका संगे 24 घंटा खड़ा बाड़ी और ऐसा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर मध्यावधि चुनाव के बात करता तो ताकत देखे ताकत हुई। के हुई कि नीतीश कुमार से मजबूत ताकत होकर कैसे हुई बड़ा हजुरायल मामला बा और ये हजुराइल मामिल के सजुरावे खातिर बिहार के राजनीति में चर्चा शुरू हो गई बा अब चर्चा के मध्यावधि चुनाव तक लेके जाई या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के ले तक लेके जाई लेकिन इतना तय नजर आ रहा कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों नीतीश कुमार से हलकान जरूर बाड़े और ऐसा स्थिति में अगर सुपर गठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होके के मौका मिलता तो रू अब बूझ के चली कि आवे वाला चुनाव जो हो देश के होके या बिहार के होके में नीतीश कुमार के कद एक बार फिर से बढ़े आज के खुटाठोक में यही रूव के विराम देतनी कल फिर वह लोग से भेंट हुई और बिहार के राजनीति के को नया विषय लेके आई यह पूरे विषय पर रुआ का सोचता नहीं जरूर बताई सब कारण कि जौन तरीका से बिहार के राजनीति देगा पाही दे बा में परिवर्तन और एकरा साथ साथ नीतीश कुमार के अलावे विकल्प रुआ का नजर आता जरूर लिखब सब कमेंट बॉक्स में फिर कल भेंट हुई गोल